बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स टू योर ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर यूनिट नंबर 3, दैट इज़ बायोडायवर्सिटी। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बायोडायवर्सिटी की बेसिक डेफिनेशन बताई थी, और साथ में मैंने आपको बायोडायवर्सिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। आज के इस लेसन में हम जो पढ़ेंगे, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक आज के हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आपकी बुक पे क्या दिया हुआ। ओके, पेज नंबर 39 आपकी बुक का है। यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक दिया हुआ है। यहाँ लिखा है कि बायोलॉजिस्ट हैव identified and described about 2 million kinds of organism। अब तक जो biologist हैं उन्होंने अभी तक 20 लाख के करीब, 2 million तकरीबन 20 लाख के लगभग होता है, तो 20 लाख के करीब मुख्तलिफ किस्में जो हैं organism की उनको identify किया है। ठीक है, तो 0.5 million types of plants हैं और 1.5 millions of animals हैं। तकरीबन 5 लाख के करीब मुख्तलिफ जिसमें पौधे शामिल हैं, और तकरीबन 15 लाख के करीब मुख्तलिफ किस्में एनिमल्स की हैं जिनको बायोलॉजिस्ट ने जो है उनकी निशानदेही की है। ठीक है, दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल काइंड्स एस्टिमेटेड टू लिव ऑन द अर्थ। ये एक बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, कि मुख्तलिफ दुनिया पे जितनी भी ज़िंदगी है, दुनिया पे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी मुख्तलिफ इकसाम को जानने के लिए, स्टडी करने के लिए बहुत कम नंबर है। ठीक है, ये वैसे एक एस्टिमेट लगाया गया है। ठीक है, करेक्ट ये नंबर नहीं है। टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई देम। अच्छा, अब जाहिर बात है इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म आपकी दुनिया में मौजूद हैं, उनको पढ़ने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए साइंसदानों ने उनको क्लासिफाई किया। ठीक है, उनके ग्रुप बनाए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसकी बेस पे बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म्स को डिवाइड किया। ठीक है, तकसीम किया ग्रुपों में और सब ग्रुप में। ठीक है, छोटे उनके ग्रुप बनाए, और फिर पहले बड़े, फिर छोटे ग्रुप्स, फिर मज़ीद सब ग्रुप्स आगे। किस बेस पे? उनकी सिमिलरिटीज़ पे। ठीक है, उनकी एक जैसी खसूसियात पे, और साथ में उनके डिफरेंसेस पे। ठीक है, या उनकी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ पे। तो जो एक जैसी क्वालिटीज़ वाले थे वो जो थे एक ग्रुप में डाल दिए, और जो जिनकी मुख्तलिफ थी वो क्वालिटीज़ उनको अलग ग्रुप में डाल दिए। ठीक है, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया इस पैराग्राफ में। ओके, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का टॉपिक आपके पास पेज नंबर 39 पे मौजूद है आपकी बुक का। अरिस्टोटल क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। ये एक फ़िलासफ़र था, इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी। इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म को ग्रुप की क्लासिफाइड किया था ना, उनके ग्रुप बनाए थे, वो इस बेस पे बनाए थे कि वो उनकी हैबिटेट कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, एयर, वाटर, लैंड, कौन कहाँ के रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, बर्ड्स हैं या वो इक्वेटिक एनिमल, तो उस बेस, मतलब कि पानी में रहते, तो उन्होंने वाटर वाले जो एनिमल्स हैं उनको सबको अलग कर दिया। इसी तरह अगर बर्ड्स वगैरह जो हवा में उड़ने वाले या फ्लाई करने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, तो उन्होंने सबको जो है वो एक ग्रुप में डाल दिया। हाउएवर इट वाज नॉट जस्टिफाइड एज एनिमल्स इन वन ग्रुप मे हैव नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट देयर हैबिटेट। तो अगर इस तरह ग्रुप बना हो कि एक जगह के जो हैं पानी वाले या लैंड वाले जो ऑर्गेनिज्म, वो एक ग्रुप में डाल दिए, तो इस तरह वो उनमें और कोई चीज़ सिमिलर नहीं होगी सिवाय इसके कि वो एक जगह पर रहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिश एंड टर्टल कैन नॉट बी प्लेस इन वन ग्रुप। जैसे कि अगर फिश भी पानी में है और टर्टल भी पानी में है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया जाए इस बेस पे कि वो पानी में रहते हैं। ठीक है, तो ये कोई तरीका जो था क्लासिफिकेशन का, वो कोई जस्टिफाइड नहीं था। ठीक है, मुतमईन करने वाला नहीं था।
तो लेटर बायोलॉजिस्ट बिगेन टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल करेक्टरिस्टिक। फिर बाद में जो थे बायोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया कि जो ऑर्गेनिज्म थे उनको उनकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक की बेस पे क्लासिफाइड किया, ठीक है, कि वो कैसे नज़र आते हैं, ठीक है, उनका उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उनकी उनका बिहेवियर कैसा है। सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक विच आर यूज टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स आर एज फॉलो, ठीक है, और कुछ जो करेक्टरिस्टिक हैं, खसूसियात हैं जिनकी बेस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, उनमें सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल, कि आया उस ऑर्गेनिज्म का सेल प्रोक्रियोटिक है कि यूक्रियोटिक है। प्रोक्रियोटिक मतलब वो सेल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सारे आपके प्रोक्रियोटिक सेल में आ जाते हैं, जिनकी कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल नहीं होते, वो सारे आपके पास प्रोक्रियोटिक में आ जाते हैं। और यूक्रियोटिक में आपके पास वो वाले सेल होते हैं जो मॉडिफाइड होते हैं, जिनमें आपके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म सारे उनके यूक्रियोटिक सेल में आते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे उनके सेल की टाइप भी देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म की कौन से सेल है, ठीक है, आया वो यूनिसेलर है और या मल्टी सेलर है, ठीक है, एक सेल से बना हुआ जैसे ये अमीबा वगैरह या बैक्टीरिया, या बहुत सारे सेल हैं जैसे बड़े जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो उस बेस पे भी उनको मुख्तलिफ ग्रुपों में डाला गया। फिर ये देखा गया कि ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेटरोट्रॉफ्स हैं, अपना खुराक खुद बना सकते हैं या डिपेंड करते हैं किसी पे, तो इस बेस पे उनको ग्रुप में मुख्तलिफ उनको क्लासिफाइड किया गया। जैसे अब आपके प्लांट्स हैं तो प्लांट्स का अलग है और एनिमल्स को अलग ग्रुप में डाले, क्यों, क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं, वो अपना जो फूड है वो खुद बना सकते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉफ्स हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये भी देखा गया, क्लासिफिकेशन बेसिस ये हैं, ये देखा जाता है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड नॉट ओनली ऑन द हैबिटेट एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक बट आल्सो ऑन जेनेटिक्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अच्छा, मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन थी उसमें और भी चीज़ें शामिल होंगी, उसमें सिर्फ ये नहीं देखा गया कि कहाँ के रहने वाले हैं ये ऑर्गेनिज्म, ये भी देखा गया कि उनके के जेनेटिक उनका जो है वो मेकअप कैसा है, उनका DNA कैसा है, उनके जीन्स कैसे हैं, फिर उनका एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखा गया, उनकी उनका बिहेवियर देखा गया, ठीक है, कि उनका उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका उनके फंक्शन क्या है बॉडी के। साथ में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखिए कि वो के वक्त के साथ गुजरने के साथ उनमें क्या क्या चेंजिंग आई है। एवोल्यूशनरी चेंजिंग ये होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में या लिविंग थिंग में जो टाइम के साथ जो चेंजिंग आती है उसको हम लोग एवोल्यूशन में स्टडी करते हैं। तो ये देखा जाता है कि इस ऑर्गेनिज्म की क्या क्या चेंजिंग थी, या कौन से जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके साथ सेम है या डिफरेंस है, तो इस बेस पे फिर उनको ग्रुपों में तकसीम किया गया। अभी ये टॉपिक आपका कंटिन्यू है, इसके बाद एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन का टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है, तो स्टे ट्यून्ड।